हेलो एवरीवन, आई एम साकेत वाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 11th क्वेश्चन ऑफ कैन यू क्रैक इट सीरीज। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहना चाह रहा है। अ बलून इज असेंडिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम इट एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 seconds after the second stone is released, and we have to take g equal to 10 meter per second square. चलिए तो सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बलून है, t बराबर 0 पर ग्राउंड से उड़ना चालू किया और हमें नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, है ना। और अपने को दिया क्या हुआ है कि इसके पास एक्सेलरेशन नेट क्या था, ऊपर की तरफ था 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि किसी टाइम पर हमने एक पत्थर को ड्रॉप किया, तो मान लेते हैं कि टी टाइम पर हमने एक पत्थर को क्या किया, यहां से ड्रॉप करा है। तो इस मोमेंट पर क्या ये पत्थर सीधा नीचे गिर जाएगा? नहीं, पत्थर सीधा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि इस मोमेंट पर बलून के पास कितनी वेलोसिटी थी? बलून के पास जो वेलोसिटी थी वो थी यू प्लस 0.2 इंटू टी, है ना, इतनी वेलोसिटी थी। तो पत्थर के पास भी इस मोमेंट पर क्या थी? ऊपर की तरफ वेलोसिटी थी, लेकिन एक्सेलरेशन पत्थर का कितना था? पत्थर का एक्सेलरेशन था नीचे की तरफ जी, क्योंकि अब पत्थर बलून का हिस्सा नहीं रहा, उस पर तो एक ही फोर्स एक्ट करेगा, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, इस मोमेंट पर, है ना, जब पत्थर को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, हमें पता है, सवाल पढ़ के मैं ये समझ में आया कि इसके भी 2 सेकंड के बाद फिर से एक और पत्थर को ड्रॉप किया जाएगा, और उसके भी 1.5 सेकंड के बाद अपने को इस पत्थर और उस पत्थर के बीच की दूरी पता करनी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो पत्थर अभी जो ड्रॉप हुआ है, पत्थर नंबर 1, इसकी लोकेशन पता कर लेते हैं कि टी बराबर टी प्लस 3.5, मतलब कि 3.5 सेकेंड के बाद ये पत्थर कहां पर पाया जाएगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट को ओरिजिन मान लूं, है ना, 0.0, तो ये पत्थर का पोजीशन क्या हो जाएगा टी बराबर 3.5 सेकेंड्स लेटर। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग यहां पर बोल सकते हैं कि पत्थर का डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डेल्टा वाई, जो कि कितना हो जाएगा, u प्लस 0.2 इंटू टी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम लगा, 3.5 प्लस हाफ इंटू कितना एक्सेलरेशन था इसका, माइनस 10 इंटू कितने टाइम के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, 3.5, तो इसका स्क्वायर। और डेल्टा y क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा y फाइनल माइनस y इनिशियल, लेकिन y इनिशियल तो 0 था, इसका मतलब y फाइनल ही क्या बन जाएगा, इस वाले पत्थर की लोकेशन कितने देर बाद, 3.5 सेकंड के बाद, है ना, जब के बारे में हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली यहां से अपने को क्या मिलेगा, यहां से अपने को मिलेगा y फाइनल किसका, स्टोन नंबर 1 का, है ना, और किस समय की बात हो रही है, 3.5 सेकंड के बाद की बात हो रही है, और इस समय टाइम हो रहा था ऑलरेडी t, और हम लोग बात करें टी से भी कितने देर के बाद, 3.5 सेकंड के बाद। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैंने निकाला क्या है, ये मैंने एक्चुअली निकाला है इस पत्थर की लोकेशन 3.5 सेकंड के बाद, है ना, ये उसका कोऑर्डिनेट दे रहा है। अब सोचिए इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद अपने को क्या देखना है कि इसके फर्दर 2 सेकंड के बाद एक और पत्थर को ड्रॉप किया गया। तो पिछले पत्थर को ड्रॉप किया गया था टी टाइम पर, अब लेटेस्ट सेकंड नंबर के पत्थर को ड्रॉप किया जा रहा है कितने टाइम पर, टी प्लस 2 टाइम पर, मतलब कि 2 सेकंड के बाद, है ना। तो 2 सेकंड के बाद बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा, जैसे कि ये अब जो है कितना ऊपर जा चुका होगा, है ना, डिस्टेंस में इस पॉइंट के हिसाब से लूंगा क्योंकि इसे मैंने ओरिजिन कहा है, तो ये ऑलरेडी इसकी इनिशियल लोकेशन क्या है पत्थर की, वाई इनिशियल बराबर हो जाएगा भाई, कितना बोल दे, वाई इनिशियल हम लोग कह सकते हैं कि इसकी इनिशियल स्पीड इस समय कितनी हो गई थी,
मतलब कि टी बराबर टी पर, इस मोमेंट पर इस बलून की स्पीड कितनी हो गई थी? इस बलून की स्पीड हो गई थी यू प्लस, कितना लिख दें, एक्सेलरेशन 0.2 इनटू टी, है ना। तो वाई इनिशियल कितना हो जाएगा, इनिशियल स्पीड इनटू टाइम कितना लगा यहां से यहां जाने में, टू प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन बलून का कितना था, बलून का एक्सेलरेशन था 0.2 इनटू यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया कि बलून का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इस फर्दर 2 सेकेंड में। तो वहां पर मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल स्पीड मुझे पता ही थी, फिर मुझे टाइम ड्यूरेशन पता ही था यहां से यहां जाने में 2 सेकेंड लगा, और एक्सेलरेशन भी सवाल में दिया ही हुआ था। तो बेसिकली मुझे इस पत्थर का क्या मिल गया, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट, है ना। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि इस पत्थर के पास ऊपर की तरफ स्पीड आ चुकी है, और वो स्पीड कितनी हो जाएगी, तो वो स्पीड हो जाएगी यू प्लस एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है इनिशियली 0.2, है ना, ये जो बलून है उसका एक्सेलरेशन तो 0.2 ही है। और कितना देर लगा ग्राउंड से यहां तक आने में, ग्राउंड से यहां तक आने में इसको लगा टी प्लस 2 टाइम, है ना। तो ये मैंने क्या लिख दिया, वी बराबर यू प्लस ए इंटू टाइम, है ना। तो ये क्या आ गया, ये स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी आ गई जो कि ऊपर की तरफ है, और इस मोमेंट पर स्टोन का एक्सेलरेशन कैसा हो गया होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि जस्ट इसे ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस पत्थर का जो नया वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, नए वाई कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब क्या है कि जब सवाल में पूछा गया जिस मोमेंट के बारे में, मतलब कि 1.5 सेकेंड के बाद, आफ्टर 1.5 सेकेंड, मतलब उस समय अगर घड़ी में देखें तो कितना टाइम हो रहा होगा, टी प्लस 3.5 सेकेंड, है ना। क्योंकि जब पहला स्टोन ड्रॉप हुआ तो उसको मैंने टी टाइम कहा, जब दूसरा स्टोन ड्रॉप हुआ तो उसको मैंने टी प्लस 2 टाइम कहा, और जब हमें जबकि बारे में बात करनी है वो कितना हो जाएगा, टी प्लस 3.5 सेकेंड। तो जो वाई फाइनल हो जाएगा, है ना, वाई फाइनल हो जाएगा, वो कैसे निकालेंगे, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, मतलब कि बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू प्लस 0.2 इंटू टी प्लस 2, है ना। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे, 1.5, है ना, क्योंकि 1.5 सेकेंड के बाद की बात हो रही है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन फ्री फॉल कर रहा है, तो -10 इंटू कितना टाइम ड्यूरेशन होगा, 1.5 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास वाई फाइनल जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा वाई इनिशियल प्लस यू प्लस 0.2 इंटू टी प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने से, 1.5 से, प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। यहां पर हमें एक इस तरीके का ब्रैकेट भी लगा देना चाहिए, है ना, इस तरीके का ब्रैकेट यहां पर, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अपने पास वाई फाइनल भी आ गया अब। तो चलिए, तो मैंने यहां वाई इनिशियल लिख दिया जो कि मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो y फाइनल यहां से फाइनली निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा u प्लस 0.2 इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 4, प्लस कितना कर दें, प्लस 1.5 u प्लस ये 1.5 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस 2, और ये वाला आखिरी वाला टर्म कितना हो जाएगा, -5 इंटू 1.5 का स्क्वायर, है ना। तो ये बेसिकली वाई फाइनल, मतलब जो 3.5 सेकेंड लेटर, है ना, पहले स्टोन को जब ड्रॉप किया उसके 3.5 सेकेंड लेटर, है ना, जो सेकेंड स्टोन की लोकेशन है वो आई है। तो इसको मैं वाई फाइनल लिख देता हूं ऑफ स्टोन नंबर 2, और इसी तरीके से मैं वाई फाइनल ऑफ द फर्स्ट स्टोन वो भी मैंने निकाल रखा था, है ना, देखते हैं वो कितना था। ये देखिए, यहां पर हम लोगों ने इसका जो फाइनल वाई कोऑर्डिनेट है वो निकाल रखा था, किसका,
पहले स्टोन का, तो चलिए इसको ले चलते हैं वहां पर। तो ये मैं ले आया इनिशियली जिस पत्थर को फेंका गया था उसका वाई कोऑर्डिनेट 3.5 सेकंड के बाद, है ना। तो अब जो है हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अब दोनों स्टोन्स की लोकेशन हमें पता चल गई, दोनों ही स्टोन्स के वाई कोऑर्डिनेट के बारे में हमें नॉलेज है। तो अब दोनों स्टोन के बीच में दूरी कितनी है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो वाई फाइनल 2 - वाई फाइनल 1, ये क्या दे देगा मुझे, डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन्स। तो चलिए ये कैलकुलेट करते हैं। पहला टर्म क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा 2u + 0.4 × t। अगला क्या आ जाएगा, +0.1 × 4, है ना। तो वो हो जाएगा 0.4 + 1.5 × u + कितना हो जाएगा ये 0.3 × t + 0.6 - 5 × 1.5 का स्क्वायर। और इसमें से क्या घटा दे, इसमें से घटा देते हैं u + 0.2 × t multiplied by 3.5, और माइनस माइनस हो जाएगा ++5 × 3.5 का होल स्क्वायर। अब ये देखने में डरावना लग रहा है पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल आउट होंगी, जैसे कि आप देखिए 2u + 1.5u 3.5u, और 3.5u यहाँ देखिए कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो -3.5u से +3.5u कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ 0.4t है ना, यहाँ पर 0.4t है, और नीचे क्या है, ये है 0.3t, मतलब 0.7t, और यहाँ 3.5 को अगर 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी तो 0.7t हो जाएगा, मतलब इन दोनों का समेशन इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो बहुत सारे टर्म अपने गायब हो गए, चलिए उनको सीन से मिटा ही देते हैं। ये गायब हो गया ना, यहाँ से इसको भी गायब कर दिए, और ये तो पूरा ही गायब हो गया। तो अब देखिए काफी सिंपल सी इक्वेशन दिखाई दे रही है, 0.6 + 0.4 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, +5 × 3.5 का स्क्वायर - 1.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 + 1.5 multiplied by 3.5 - 1.5, है ना, a² - b² वाला फॉर्मूला। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 5 multiplied by, ये कितना हो गया, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 2, तो 25 × 2 = 50, तो ये हो गया 51, है ना। तो दोनों के बीच में जो दूरी है उस मोमेंट पर वो कितनी आ गई, 51 मीटर्स। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था पर जब हम लोगों ने देखा तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल आ गई, है ना। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही थी, ना वो यू पे डिपेंड कर रही थी, ना ही वो टी पे डिपेंड कर रही थी कि किस लोकेशन पर, है ना, इसे छोड़ा गया। एक अजम्पशन हमने सवाल में लिया है और वो ये है कि ग्राउंड इतना नीचे था कि कोई भी पत्थर उस समय तक ग्राउंड पे स्ट्राइक नहीं किया था, है ना, वरना ये इक्वेशंस वैलिड नहीं हो पाती, है ना। हम लोगों ने तो ये माना था कि मरते दम तक सारे के सारे पत्थर क्या थे, हवा में थे, है ना। चलिए इसी तरीके से छोटे छोटे सवालों के साथ हम लोग मिलते रहेंगे इन आर सीरीज कैन यू क्रैक इट। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।